तो बात उस टाइम की है जब हम अपने बदन पे पेड़ों के पत्ते बांध के घुमा करते थे। कुछ चाचा लोग बैठ के कुछ ना कुछ आविष्कार किया करते, आग वाग जलाते और हम लोग को सरप्राइज़ करते। और गांव की कुछ लोग जो बैठ के यहाँ पे गॉसिप किया करती, एक दूसरे के बारे में चुगली किया करती थी। और कुछ जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन थे वो खाने उने की व्यवस्था किया करते। और हम जैसे लोग इन मैडम मिस यूनिवर्स हमारी लूसी अपनी लूसी को ताड़ा करते थे, इनको देखा करते थे। तभी आती है एक तूफान। जी हाँ, ये हैं आपके स्क्रीन पे एडा लवरेल लवलेस। इनको कहा जाता है ये दुनिया की सबसे पहली प्रोग्रामर थी। ये महिला खूबसूरत तो थी, लेकिन खूबसूरत के साथ साथ इसके पास बहुत बड़ा दिमाग था। ये एक मैथमेटिशियन थी। आप लोगों ने सुना होगा चार्ल्स बैबेज नाम का एक कंप्यूटर, एक जनरल पर्पज़ कंप्यूटर होता है, जिसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। हाँ जी, ये पहली लेडी थी जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट था। मतलब जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इंटरेस्ट क्या था, इन्होंने ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक नई कतार दी है जो आज चलती आ रही चलती आई, जिसकी वजह से हमें पढ़ना पड़ रहा है। इसीलिए मैं इन्हें तूफान का कहता हूँ। तो ये पहली और आखिरी लेडी थी जो कि होशियार थी, मजाक कर। फिर आते हैं हमारे जेम्स गॉसलिन, जिन्होंने हमारी लाइफ को कुछ ज़्यादा ही आसान बना दिया जावा प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस करके। हाँ जी, इन्होंने ही 1995 में सन माइक्रोसिस्टम के हेल्प से, मतलब सन माइक्रोसिस्टम में ये काम क्या करते थे, वहाँ पे कुछ प्रोग्रामिंग कोडिंग मोडिंग करके उन्होंने जावा को इंट्रोड्यूस किया 1995 में, जो हमारी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा आसान बना दिया, क्योंकि जावा क्या है, उप्स लैंग्वेज है। अब मैं आप लोगों के कुछ ज़्यादा ही खतरनाक सी चीज़ बताने वाला हूँ, आप लोग स्ट्रिक रहना, बिल्कुल एकदम लगे रहना। आपको क्या करना, आपको गूगल पे जाना है, आप क्रोम पे जाना है, वहाँ पे टाइप करना आपको विकीपीडिया, www.wikipedia.com, और फिर आके आपके यहाँ पे सर्च करके पूरा जावा के बारे में पढ़ लेना। अब सब कुछ मैं ही बताऊँगा, तो तुम क्या करोगे, चलो जाओ जावा की हिस्ट्री पढ़ो और फिर उसके बाद शुरू करते हैं अपना अपना नेक्स्ट लेक्चर।